हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहां मैं हूँ, कुछ कहानियां हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए इस लॉ एंड बिहोल्ड। आज बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, आर्बिट्रेशन की और अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की। BSNL ने कई साल पहले एक बिट्स मंगाई। ये बिट्स थी प्लानिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंसुलेशन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ GSM बेस्ड सेलुलर नेटवर्क, यानी वही नेटवर्क जो मेरे और आपके मोबाइल फ़ोन में आता है। और ये बिट्स थी सदर्न रीजन के लिए, यानी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सर्कल्स के लिए और चेन्नई टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट भी। एक कनेडियन कंपनी नॉटल को ये परचेज ऑर्डर दिया गया। नॉटल ने अपना सारा काम किया, कितने भी समय में किया। इसके बाद BSNL ने लगभग 99 करोड़ काट के नॉटल का क्लेम सेटल कर दिया। इसके बाद नॉटल ने एक नोटिस भेजा 13 मई 2014 को और कहा कि जो आपने 99 करोड़ काटे हैं, अमाउंट है 99 करोड़ 70 लाख 93,031 रुपीज़ टू बी एग्जैक्ट, ये गलत काटे हैं, ये हमें ड्यू हैं। BSNL ने इस नोटिस का जवाब दिया 4 अगस्त 2014 को और कहा कि आपका क्लेम बेकार है। इसके बाद लगभग 5.5 साल बाद नॉटल ने एक और चिट्ठी लिखी 29 अप्रैल 2020 को और आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक कर लिया और कहा कि एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए और कंटेंट किया कि जो डिस्प्यूट है 99 करोड़ की, ये भी पेंडिंग है और इसे एक आर्बिट्रेटर ही सॉल्व कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, इसको एडजुडिकेट कर सकता है। BSNL ने 9 जून 2020 को, यानी जो अप्रैल 2020 का लेटर आया था उसका जवाब 9 जून 2020 को दिया और कहा कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की रिक्वेस्ट है ये एंटरटेन नहीं की जा सकती क्योंकि 4 अगस्त 2014 को ही केस ख़त्म हो चुका है। जो नॉटल की रिक्वेस्ट थी उस पर हमने फैसला कर दिया था और जो सेक्शन 43 है आर्बिट्रेशन एक्ट का, उसके हिसाब से जो आपका अप्रैल 2020 का नोटिस है वो टाइम बार्ड है। अब नॉटल कहाँ मानने वाला था? उन्होंने जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर दी केरला हाईकोर्ट के सामने। ये एप्लीकेशन थी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, जो कि कोर्ट अपॉइंटेड मेथड देता है किन कंडीशंस में कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर 2020 के फैसले से कहा कि इन डिस्प्यूट्स का फैसला आर्बिट्रेशन में होना चाहिए। अभी BSNL के लिए बड़ा धक्का था। BSNL ने इस फैसले के खिलाफ फाइल की एक रिव्यू पिटिशन केरला हाईकोर्ट में ही, बट ये भी डिसमिस हो गई। ये डिसमिस हुई 14 जनवरी 2021 को। अब BSNL करे तो क्या करे? एक तरफ 99 करोड़ उसने काट रखे थे, दूसरी तरफ नॉटल का क्लेम लगभग 5.5 साल बाद आया था और जिसपे केरला हाईकोर्ट कह रहा था कि आर्बिट्रेशन बिठाया जाए। तो केरला हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ BSNL ने फाइल की सिविल अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बड़ा नायाब सवाल आया कि क्या 5.5 साल बाद भी कोई पार्टी क्लेम कर सकती है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष थे, BSNL भी थी, नॉटल भी थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने नायाब सवाल था तो उन्होंने एक अमाइकस कॉपी अपॉइंट किया, यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और इन इश्यूज़ पे असिस्ट करने के लिए कहा जो कोर्ट के सामने थे। तो BSNL ने अपने सबमिशंस में ये कहा कि कॉज ऑफ एक्शन फॉर इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन पहली बार उठा था 4 अगस्त 2014 को, जब नॉटल का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था फाइनल बिल्स में डिडक्शन करने के बाद। BSNL ने कहा कि नॉटल अपने राइट्स पे, जो कि वो एलेज कर रहा है कि उसके राइट्स हैं, सोता रहा 5.5 साल तक, और इसलिए
उन राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। 4 अगस्त 2014 से लेके 29 अप्रैल 2020 तक नॉटल ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए जो नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन है 2020 का, वो लीगली स्टेल हो चुका है, नॉन आर्बिट्रेबल हो चुका है और अनइन्फोर्सिबल हो चुका है। हाई कोर्ट एक गलत चीज को देख के आगे बढ़ गया कि मेयरली एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्प्यूट भी लाइव है। किसी मैटर को आर्बिट्रेशन में रेफर करने के लिए उसमें एक लाइव डिस्प्यूट होनी चाहिए और तभी वो रेफर किया जाना चाहिए आर्बिट्रेशन के लिए। और इवन दो लिमिटेशन इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ और इसे ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करता है, बट जहाँ इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही एकदम टाइम बार्ड है, कोर्ट को अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। BSNL ने कहा कि जो लिमिटेशन है आर्बिट्रेशन इन्वोक करने के लिए, वो आर्टिकल 137 ऑफ द स्केड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट 1963 से गवर्न होगा। अगर कोई भी क्लेमेंट कोई भी एक्शन लेता है तो उसे 3 साल के अंदर ही अप्रोच करना पड़ेगा कोर्ट को फ्रॉम द डेट ऑन विच द राइट टू अप्लाई अक्रूज। BSNL ने अपनी दलीलों में कहा कि अगर आप सेक्शन 11 के क्लॉज 6A को देखेंगे तो उसमें फ्रेज यूज होता है एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। इससे ये पता चलता है कि कोर्ट एक फॉर्मल एक्सरसाइज सिर्फ नहीं कर रहा है कि आइए अगर आपकी कोई डिस्प्यूट है आप उसमें आर्बिट्रेशन एक मैंडेटेड मेथड है तो हम रेफर कर देंगे, बट कोर्ट एग्जामिन भी करेगा टू अ सर्टेन डिग्री बिफोर मेकिंग दैट रेफरेंस। अब इसके उलट नॉटल ने भी अपने सबमिशंस दिए। नॉटल ने कहा कि आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 से जो स्कोप ऑफ इंक्वायरी है प्री रेफरेंस स्टेज पे वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। कोर्ट को सिर्फ यही देखना है कि क्या एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। उन्होंने कॉम्पिटेंस की डॉक्ट्रिन का हवाला भी दिया। ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि आर्बिट्रेबल ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करता है कि उसके पास उस मामले को डिसाइड करने की कॉम्पिटेंस है कि नहीं, यानी ज्यूरिस्डिक्शन है कि नहीं, कि क्लेम्स टाइम बार्ड तो नहीं है, क्या पोजीशन है। और इसलिए हाईकोर्ट ने सही किया आर्बिट्रेशन रेफर करते हुए, ताकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही डिसाइड कर ले कि उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है कि नहीं या क्लेम्स टाइम बार्ड है। नॉटल ने अपने सबमिशंस में यह भी कहा कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग क्लेम्स डज नॉट सर्वाइव पोस्ट द 2015 अमेंडमेंट सिंस द रोल ऑफ द कोर्ट इज ओनली लिमिटेड टू एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। यानी 2015 से पहले की सिचुएशन कुछ और थी, 2015 के बाद की सिचुएशन नॉटल के फेवर में है। किसी भी लिमिटेशन का स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सेक्शन 11 एज पर नॉटल है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि इन्होंने किया 29 अप्रैल 2020 को। इसलिए कॉज ऑफ एक्शन जो था इस केस में वो कंटिन्यूइंग था। हाईकोर्ट ने सही कहा है जो लिमिटेशन का इशू है यह आर्बिट्रेशन में डिसाइड किया जा सकता है। अब इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया, कंसिडर किया और उसके बाद अपना डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले इशू पे कहता है कि जो 1996 एक्ट है ये साफ साफ बना है एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, और इसमें कई प्रोविजंस हैं जिसमें कहा गया है कि जो आर्बिट्रेशंस भी हैं वो टाइम बाउंड मैनर में किए जाएं। जो पहला इशू है लिमिटेशन का ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11, उसके लिए देखना चाहिए कि आर्बिट्रेशन एक्ट में क्या पीरियड दिया गया है। सेक्शन 11 के अंदर तो कोई पीरियड दिया गया है नहीं, तो इसलिए हमें सेक्शन 43 को देखना पड़ेगा जो कि कहता है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगा आर्बिट्रेशन पे जितना कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करता है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो आर्टिकल्स हैं जो स्केड्यूल में दिए गए हैं वो भी एक टाइम बाउंड मेथड तो कोई आर्बिट्रेशन के लिए दे नहीं रहे थे, इसलिए जो आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट है उस पर रिलाई करना पड़ेगा। अब आर्टिकल 137 है क्या?
137 है एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस डिविजन, और ये लिमिटेशन देता है 3 साल का, जो कि शुरू होता है व्हेन द राइट टू अप्लाई अक्रूज। यानी एक सेक्शन 11 की एप्लीकेशन 3 साल के अंदर ही फाइल की जा सकती है फ्रॉम द डेट व्हेन द राइट अक्रूज। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करता है काफ़ी सारे हाई कोर्ट के डिसीजन, जिन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ही एप्लीकेबल रहेगा फॉर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। यानी अगर आप अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए कोर्ट जाते हैं तो आप गवर्न होंगे आर्टिकल 137 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट से। इन सभी हाई कोर्ट के जजमेंट्स में यही रीजनिंग थी कि क्योंकि आर्टिकल जो है लिमिटेशन एक्ट में उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है लिमिटेशन को लेके, आर्बिट्रेशन को लेके, इसलिए 137 को देखना पड़ेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है कि क्योंकि कोई प्रोविजन ही नहीं है लिमिटेशन को लेके और आर्टिकल 137 को देखना पड़ रहा है जो कि 3 साल का पीरियड दे रहा है, ये 3 साल बहुत ही ज़्यादा अनड्यूली लॉन्ग पीरियड है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है क्विक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। कहा जाता है कि आर्बिट्रेशन को 1 साल के अंदर फिनिश करना होता है, जहां जो केस ही 1 साल में फिनिश करना है उसके लिए एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट के लिए 3 साल का टाइम है, तो इससे जो होल ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट है वो डिफीट हो रहा है। इसलिए पार्लियामेंट को सेक्शन 11 को अमेंड करना चाहिए और एक लिमिटेशन प्रेस्क्राइब करना चाहिए कि कितने समय में कोई आदमी सेक्शन 11 की एप्लीकेशन लगा सकता है, कितने समय में वो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की रिक्वेस्ट कर सकता है। इस कानूनी मसले को इस अगर हम अपने प्रेजेंट फैक्ट्स में लगाएं तो सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल की गई थी, जो नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो है 29 अप्रैल 2020 का, जिसको बीएसएनएल ने रिजेक्ट कर दिया था अपनी रिप्लाई 9 जून 2020 से। सेक्शन 11 की एप्लीकेशन फाइल की गई थी 24 जुलाई 2020 को, यानी 3 साल के अंदर। लेकिन दूसरे इशू पे आते हैं तो कोर्ट नोट करता है कि लिमिटेशन एक ऐसा इशू होता है जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ होता है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की डोमेन में आएगा। लेकिन कोर्ट कहता है कि ज्यूरिस्डिक्शनल एंड एडमिसिबिलिटी इश्यूज में बहुत अंतर है। An issue of jurisdiction pertains to the power and authority of the arbitrators to hear and decide a case. Jurisdictional issues include objections to the competence of the arbitrator or tribunal to hear a dispute, such as lack of consent or a dispute falling outside the scope of the arbitration agreement. Issues with respect to existence, scope, and validity of the arbitration agreement are invariably regarded as jurisdictional issues, since these issues pertain to the jurisdiction of the tribunal. In admissibility issues पे कहता है court कि वो relate करते हैं procedural requirements पे, such as breach of pre-arbitration requirements. For example, अगर कोई mandatory requirement है mediation की before the commencement of arbitration, या किसी एक क्लेम को चैलेंज किया गया है या एक क्लेम के हिस्से को चैलेंज किया गया है जो कि टाइम बार्ड है या प्रोहिबिटेड है, या उसकी कोई प्री कंडीशन फुलफिल होनी थी। एडमिसिबिलिटी रिलेट्स टू द नेचर ऑफ द क्लेम और द सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड देयर विद। एन एडमिसिबिलिटी इशू इज नॉट अ चैलेंज टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर टू डिसाइड द क्लेम। दो इशू ऑफ लिमिटेशन जो है वो इन एसेंस एक मेंटेनेबिलिटी और एडमिसिबिलिटी ऑफ क्लेम पे जाता है, जिसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को डिसाइड करना होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई चैलेंज है कि कोई क्लेम टाइम बार्ड है या कोई प्री कंडीशन फुलफिल नहीं की गई है, या एडमिसिबिलिटी पे चैलेंज है और ज्यूरिसडिक्शन पे चैलेंज नहीं है ये क्लेम। कुछ ही लिमिटेड कैटेगरी ऑफ केसेस हैं जहां पे कोई डाउट ही नहीं होता है कि क्लेम टाइम बार्ड है या डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता है, जिनमें कोर्ट रेफरेंस करने से मना कर सकता है, डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन को रेफर करने से मना कर सकता है। इस केस में अगर देखा जाए तो ये साफ साफ है
कि क्लेम्स टाइम बार्ड हैं लगभग 5.5 साल से, क्योंकि नॉटेल ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। बीएसएनएल ने 4 अगस्त 2014 को उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नॉटेल सोता रहा। नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन जरूर 29 अप्रैल 2020 को इन्वोक किया गया। नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन में भी या जो पिटिशन फाइल की गई सेक्शन 11 की या इस कोर्ट के सामने भी नॉटेल ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इन 5.5 सालों का कि इन 5.5 सालों में वो क्या कर रहा था, कैसे लिमिटेशन बढ़ गया। अगर नॉटेल इस क्लेस को प्लीड करता तो शायद कुछ अलग हो सकता था, बट नॉटेल ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जो प्रेजेंट केस है ये डेडवुड है, इसमें कोई सबसिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन अरोज किया 4 अगस्त 2014 को, इसको बीएसएनएल ने रिजेक्ट कर दिया, नॉटल्स के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। नॉटल ने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो लिमिटेशन पीरियड कैसे एक्सटेंड करा सकता है, क्योंकि 5.5 साल तक नॉटल सोता रहा। नोटिस इनवोकिंग आर्बिट्रेशन बाद में इन्वोक किया, इसलिए वह नोटिस इनवोकिंग आर्बिट्रेशन एक्स फेशी टाइम बार्ड है एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज कैन नॉट बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड करता है दो बातें कहकर। पहला कि सेक्शन 11 में लिमिटेशन गवर्न होगा आर्टिकल 137 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट 1963 से। पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करेगा फ्रॉम द डेट व्हेन देयर इज अ फेलियर टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। कोर्ट ने सजेशन दिया पार्लियामेंट को कि सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट को अमेंड किया जाए, इसके अंदर खुद ही एक लिमिटेशन पीरियड दिया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में जहां क्लेम्स ही एक्स फेशी टाइम बार्ड हैं और साफ साफ दिखता है कि कोई डिस्प्यूट बची नहीं है, कोर्ट डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन को रेफर करने से मना कर सकता है, और इसलिए इस केस का फैसला होता है बीएसएनएल के हक में, और नॉटेल 5.5 साल सोने के कारण ये केस गंवा देता है। बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। इस केस का नाम, नंबर, साइटेशन और लिंक आपको मिलेगा शो नोट्स में। इसके अलावा फीडस्पॉट ने फीचर किया है लॉ एंड बिहोल्ड को इन इंडियाज़ टॉप 20 लीगल पॉडकास्ट। इस लिस्ट को देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारे शो नोट्स पर। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले एपिसोड तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।